नमः संस्कृताय मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आप लोगों से संस्कृत भाषायाः शिक्षणम्, संस्कृत भाषायाः शिक्षणम् से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, जो कि आपके सीटेट 2019 से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्नों को कैसे हल करना है, इन विधियों से मैं आपसे अवगत कराने जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं, कुछ प्रश्न आपके सामने हैं और मैं एक बार नहीं आपसे बार बार निवेदन करूंगा मित्र, जितना अधिक से अधिक हो सके आप प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, लकार, इन सब चीज़ों से आप परिचित हो लें जितना अधिक से अधिक हो सके, ठीक है। आइए देखते हैं हम प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा हुआ है परिपृच्छा आधारितम अधिगमनम, परिपृच्छा आधारितम अधिगमनम। परिपृच्छा, सीधी सी बात है, प्रश्न कह रहा है कि परिपृच्छा, परिपृच्छा माने होता है प्रश्न पूछने की इच्छा, प्रश्न परिपृच्छा माने प्रश्न पूछने की इच्छा पर आधारित, अधिगमन माने अध्ययन कहलाता है। कहा सीधी सी बात लिखा है परिपृच्छा पर आधारित अधिगमन, अर्थात प्रश्न पूछने की इच्छा पर आधारित अध्ययन क्या होता है। तो सीधी सी बात, यहाँ अगर परिपृच्छा माने प्रश्न होता है तो इस चारों ऑप्शनों में एक जगह प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है आपका उत्तर यही सही होगा। परिपृच्छा, अब हम इसका अध्ययन करते हैं। परिपृच्छा माने होता है प्रश्न पूछने पर आधारित अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? छात्रान प्रश्नान प्रष्टुम प्रेरयति। छात्रान, छात्रान द्वितीय बहुवचन का रूप है, छात्रों को प्रश्नों को प्रष्टुम माने पूछने के लिए, प्रेरयति माने प्रेरित करना। अब यहाँ देखिए प्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, प्रच्छ धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ जिसे बनता है प्रष्टुम, इसका अर्थ होता है के लिए, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, अर्थात आपका उत्तर यही सही होगा। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि परिपृच्छा आधारितम अधिगमनम, प्रश्न पूछने के आधार पर क्या अध्ययन कहलाता है, तो छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। सीधी सी बात है, भाषा शिक्षक को चाहिए कि ऐसे सरल शब्दों से अध्ययन कराए जिससे कि छात्र जो है उस शब्दों में रुचि लें, रुचि लेने के बाद उन शब्दों को छात्र जो है अपने मस्तिष्क में उसको अधारण कर लें। पुनः जब अध्यापक जो है उस छात्र से कहे कि चलो प्रश्न बताइए, तो उस छात्र जो है स्वतः लालायित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है घर में चाय जानता है, चाय, बच्चा चाय से परिचित है, क्योंकि वह जब से पैदा हुआ है तब से वह चाय जान रहा है। अंग्रेजी में टी जानता है लेकिन संस्कृत में उष्ण पेयम, उष्ण पेयम या चषकम, या चषकम नहीं जानता है। यदि छात्र को उष्ण पेयम और चषकम से वह परिचित है कि उष्ण पेयम या चषकम माने चाय होता है, तो बच्चे को जितनी भी भाषा आप सरल भाषा में उसको अध्ययन कराएंगे तो बच्चे के अंदर स्वतः प्रश्न क्षमता का विकास होगा, और भाषा शिक्षक वह छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सकता है कि जो भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो छात्र स्वतः उसमें लालायित रहेगा कि हम इस अपने प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लें, और छात्र जो है अध्यापक से प्रश्न करने के लिए वह उत्साहित रहेगा। तो जो परिपृच्छा आधारित प्रश्न होता है वह प्रश्नों पर ही होता है, परिपृच्छा प्रश्न पर आधारित जो अध्ययन होता है इस प्रकार से अध्ययन कराया जाए कि बच्चा जो है स्वतः उत्साहित हो प्रश्न पूछने के लिए। परिपृच्छा आधारित का अध्ययन का यही अर्थ है कि इस प्रकार से प्रश्न पर आधारित अध्ययन हो, प्रश्न पर आधारित अध्ययन जो होता है वह छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ही प्रेरित करता है। अर्थात परिपृच्छा माने प्रश्न, तो यहाँ प्रश्न लिखा है तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि छात्रेभ्यः चिंतनात्मकं प्रोत्साहनं न प्रयच्छति, छात्रों के द्वारा
छात्रों के लिए चिंतनात्मक प्रोत्साहन के लिए न प्रयच्छत न पूछना, पूछने की इच्छा न व्यक्त करना। अर्थात कोई भी शिक्षक यह नहीं चाहेगा कि कोई छात्र जो है चिंतन न करे और प्रोत्साहित न हो, ऐसी बात तो नहीं होगी। तो यहाँ न लिखा हुआ है, अर्थात यह ऑप्शन गलत है। यह जो बी है यह भी गलत है। सी आता है केवलम शांत छात्रान प्रेरित। क्या अध्यापक केवल शांत छात्रों के लिए ही प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर सकता है? जो कक्षा में कुछ चंचल छात्र हैं, कुछ बुद्धिमान छात्र हैं, क्योंकि कक्षा तीन प्रकार की होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन ग्रेड की कक्षा होती है, तो कोई भी भाषा शिक्षक जो होगा, कोई अध्यापक जो होगा, वह जो है शांत छात्रों से ही प्रेरित नहीं करेगा कि केवल शांत छात्र ही प्रश्न बताएं। वह चाहे वो बुद्धि वाला छात्र हो, चाहे मंद बुद्धि वाला छात्र हो, या न्यून बुद्धि वाला छात्र हो, तीनों प्रकार के छात्रों के लिए वह प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अर्थात यह भी ऑप्शन गलत है। चौथी बात आती है छात्रे सुरचनात्मकम चिंतनम न पोषयत। छात्रों में रचनात्मक चिंतन का पोषण न करना। कोई अध्यापक यह नहीं चाहेगा, क्या यह चाहेगा कि कोई छात्र जो है प्रश्नों को या शब्दों को सुनकर के अपने मन में चिंतन न करे, अपने मन में विचार न करे, उन बातों को सुनकर के, उन कथा कहानियों को सुनकर के क्या वह प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित न हो? ऐसा कौन सा अध्यापक है जो नहीं चाहेगा कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र हमसे प्रश्न न करे? अर्थात यह भी ऑप्शन गलत है। इसका सबसे सही ज्यादा उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ही यह परिपरीक्षा आधारित अध्ययन कहलाता है। परिपरीक्षा माने प्रश्न पर आधारित जो अध्ययन होता है वह छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ही प्रेरित करता है। ठीक, अब प्रश्न संख्या दो की बात हम आपसे करते हैं कि श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षणाय, श्रेष्ठ माने अच्छे शिक्षण के लिए किसका महत्व होता है? अच्छे शिक्षण के लिए सीधी सी बात है, भाषा शिक्षक अपने भाषा में जितना कुशल होगा, भाषा अध्यापक चाहे वह हिंदी का अध्यापक हो, चाहे संस्कृत का अध्यापक हो, चाहे अंग्रेजी का अध्यापक हो, चाहे विज्ञान का अध्यापक हो, चाहे साइको का अध्यापक हो, चाहे इन्वायरमेंट का अध्यापक हो, किसी भी विषय का कोई अध्यापक हो, वह अपने विषय में जितना दक्ष होगा, जितना योग्य होगा, उतना ही कुशल शिक्षण होगा। तो यहाँ सीधी सी बात आती है, श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते, अच्छे शिक्षण के लिए किसका महत्व है? अच्छे शिक्षण के लिए किसका महत्व है? बात आती है पाठ की। ऑप्शन ए लिखा है पाठस्य, पाठ का, पाठ तो लिखा है, लेकिन पढ़ाने वाला अगर अच्छा नहीं है तो क्या वहाँ शिक्षण प्रभावी होगा? वहाँ शिक्षण प्रभावी नहीं होगा, वहाँ शिक्षण रुचिकर नहीं होगा, शिक्षण वहाँ आनंददायी नहीं होगा। तो यह भी ऑप्शन गलत है। बी आती है बात, यह ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अध्यापक जितना अपने भाषा में कुशल होगा शिक्षण भी उतना अच्छा होगा। भाषा अध्यापक जितना अपने विषय में कुशल होगा, दक्ष होगा, योग्य होगा, उतना ही ज़्यादा उसका शिक्षण रुचिकर होगा और आनंददायी होगा। तो अर्थात शिक्षण में किसका महत्व होता है? सबसे अधिक अध्यापक का महत्व होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। डी, ऑप्शन सी की बात आती है, लिखा है इकाई योजना या है। इकाई योजना माने अध्ययन, इकाई योजना का मतलब होता है अध्याय, अध्याय पर अथवा लेसन पर आधारित। इकाई योजना ठीक है, इकाई बनाई गई है कि अध्याय एक, अध्याय दो, अध्याय तीन, अध्याय चार, लेकिन उसको पढ़ाने वाला अगर योग्य नहीं होगा तो कैसे शिक्षण प्रभावित होगा? अर्थात यह भी ऑप्शन आपका गलत है। फिर बात आती है ऑप्शन डी की, नियोजन प्रक्रिया या है। नियोजित ढंग से प्रक्रिया माने क्रिया करना, अच्छे ढंग से क्रिया करना, बहुत बढ़िया क्रिया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से आप क्या कहते हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बात बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ श्रेष्ठ शिक्षण कैसे होगा? श्रेष्ठ शिक्षण वही माना जाता है जब वक्ता के द्वारा, किसी भाषा अध्यापक के द्वारा कहे हुए बात को छात्र जो है उचित ढंग से समझ ले और उसमें रुचि और आनंद दिखाए, वही शिक्षण उचित होता है और श्रेष्ठ होता है। अर्थात ऑप्शन यह भी गलत है। इसलिए श्रेष्ठ शिक्षण के लिए सबसे अगर अधिक महत्व है तो वह अध्यापक का महत्व होता है। ठीक है मित्र, अगर मेरी बात यह समझ में आ रही हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर लाइक करना और
शेयर करना न भूलिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्नों को लेकर के। लिखा है शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थः अस्ति, शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थास्ति, शिक्षण का, शिक्षण इस पद का जो अर्थ अस्ति, अर्थास्ति माने अर्थ है, यह जो शिक्षण शब्द लिखा हुआ है इस पद का क्या अर्थ है। पहला अर्थ है लालनम, लालन माने प्रेम करना, तो क्या शिक्षण का अर्थ होता है लालन पालन करना, यह भी सही नहीं है, क्योंकि लालन पालन तो माता के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है, शिक्षण के द्वारा लालन पालन नहीं होता है। प्रेरणम प्रोत्साहित करना, शिक्षण का केवल एक कार्य थोड़ी ना है कि वह प्रेरित करेगा। हम आपको बहुत कह रहे हैं, बहुत मोटिव कर रहे हैं, बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो वहाँ यह भी शिक्षण का पद नहीं होगा अर्थ, अर्थात शिक्षणम पद का अर्थ यह भी उचित नहीं है, प्रेरणम भी नहीं है, बोधनम ज्ञान यह भी उचित नहीं है। शिक्षणम का सीधा सीधा अर्थ होता है सीखना या सिखाना, शिक्षणम का अर्थ ही है सीखना और सिखाना। जो शिक्षणम है यह संस्कृत के शिक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय लगा करके बना हुआ है। जो शिक्षण पद है यह शिक्षण पद यह संस्कृत के शिक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय लगा करके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शिक्षणम, और शिक्षणम का अर्थ ही होता है सीखना और सिखाना। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की, ज्ञान से संक्रमणम, ज्ञान का संक्रमण, संक्रमण का अर्थ होता है कि वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को चिंतन करना, विचार करना, सोचना और पुनः उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करना ही संक्रमण कहलाता है। ज्ञान का संक्रमण अर्थात फैलाना, जिस प्रकार से वायरस होता है, जैसे एक व्यक्ति को जुखाम हुआ है, अगर वह दो चार व्यक्तियों के साथ रह रहा है तो सबको जुखाम का वायरस फैल जाएगा, तो उसी प्रकार से वायरस अर्थात यह संक्रमण है, ज्ञान का संक्रमण, ज्ञान को फैलाना। शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, शिक्षण का क्या अर्थ है, सीखना और सिखाना, तो वही अर्थ है यहाँ, संक्रमण माने फैलाना, ज्ञान को फैलाना। जब हमने आपको बताया कि देखो यह जो दीपक जल रहा है, यह दीपक आप संस्कृत हिंदी में दीपक जानते हैं, अंग्रेजी में एलईडी जानते हैं, लेकिन संस्कृत में गोल दीपम नहीं जानते, तो जब हमने बताया गोल दीपम, तो यह जो ज्ञान का संक्रमण, ज्ञान फैला कि नहीं, संस्कृत का ज्ञान जो है बच्चे के अंदर यह प्रभावी हुआ कि हाँ यह गोल दीपम है, ठीक है। जो ट्यूबलाइट आप जलाते हैं, ट्यूबलाइट को संस्कृत में लंब दीपम कहते हैं, बच्चा ट्यूबलाइट जानता है, राड जानता है, लेकिन ट्यूबलाइट नहीं जानता है। जैसे मैंने कहा कि लंब दीपम, तो बच्चे के अंदर वह ज्ञान का संक्रमण हुआ, ज्ञान वह फैला, ठीक है। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान को सिखाना या सीखना, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सीधी सी बात है, यहाँ संक्रमण का अर्थ है अर्थात संक्रमण का अर्थ होता है फैलना, सीखना, फैलने का अर्थ है सीखना, ज्ञान को सीखना, ठीक है, या सिखाना। तो इसलिए प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन डी सही होगा। अब हम बात करते हैं आपसे प्रश्न संख्या चार की। इसमें लिखा है कि भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्त्वं सर्वाधिकम्। भाषा दक्षतायाः कृते अधोलिखितेषु कस्य महत्त्वं सर्वाधिकम्। भाषा दक्षतायाः, सीधी सी बात आ रही है, भाषा में दक्ष, भाषा में योग्य, भाषा में कुशल, भाषा दक्ष, दक्ष माने कुशल, भाषा में दक्ष कृते माने करने के लिए, भाषा में दक्ष करने के लिए, कुशल बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, अधोलिखित नीचे लिखे हुए में से कस्य माने किसका महत्व सर्वाधिकम, किसका महत्व सबसे अधिक है। भाषा में दक्ष कृते माने बनाने के लिए नीचे लिखे गए जो ऑप्शन है इनमें से किसका सबसे अधिक महत्व है, तो ऑप्शन ए की बात आती है। लिखा है न्यून मूल्य शिक्षण सहायक सामग्री नाम प्रयोग, न्यून मूल्य, कम से कम, न्यून मात्रा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना,
तो कम से कम अगर हम न्यून मूल्य माने कम से कम, ठीक है, कम से कम अगर हम सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो क्या वहां पर हमारी भाषा की दक्षता सबसे अधिक होगी? नहीं होगी। सहायक सामग्री श्यामपट का, चाक का, डस्टर का, कॉपी का, पेन का, ये और स्लाइड का इत्यादि जो सहायक शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, इनका अगर हम कम से कम प्रयोग करेंगे तो क्या वह भाषा दक्षता होगी? भाषा में क्या बच्चा कुशल होगा? अर्थात यह भी ऑप्शन गलत है। फिर बात आती है ऑप्शन बी की, यही आपका सही है। शुद्धोच्चारण सह वाचरम, शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करना। जितना अधिक से अधिक शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेगा, छात्र उतना ही शुद्ध उच्चारण करेगा, क्योंकि छात्र जो होता है वह हमेशा अनुकरण की भावना को अपनाता है। छात्र ही नहीं, हम आप भी अनुकरण करते हैं। भले ही हम लोग इतनी उम्र में पहुंच गए हैं, लेकिन अगर आपके से कोई योग्य व्यक्ति है या आपके बराबरी का कोई व्यक्ति है तो उसकी नकल जरूर करते हैं, तो छात्र भी अपने से बड़ों का अनुकरण करता है। तो भाषा शिक्षक जितना अधिक से अधिक शुद्ध सरल और सस्वर वाचन करेगा, छात्र भी उतना शुद्ध सरल और सस्वर वाचन करेगा। तो जितना शुद्ध उच्चारण शुद्धोच्चारण के साथ जितना अधिक वाचन होगा उतना ही भाषा में कुशलता आएगी। भाषा की कुशलता कब आएगी? जब छात्र शुद्ध उच्चारण करेगा, शुद्ध शुद्ध बोलेगा, तभी जाकर के उसके अंदर भाषा में योग्यता आएगी। ठीक है, जैसे कि यस्यास्ति वेतं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते। जिस प्रकार से अध्यापक उच्चारण करेगा छात्र भी उसी के साथ शुद्ध उच्चारण करना सीखेगा, और जितना बच्चा शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेगा उतना ही उसमें भाषा दक्षता विकसित होगी, भाषा में कुशलता आएगी। तो अर्थात प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी सही है। तो भाषा की कुशलता के लिए नीचे लिखे गए किसका महत्व सबसे अधिक है? तो शुद्ध उच्चारण के साथ साथ वाचन करना ही जो होता है भाषा दक्षता में सबसे अधिक महत्व है। फिर अब बात आती है ऑप्शन सी की, सुंदर हस्ताक्षर ही अभ्यास कार्य लेखनम। सुंदर हस्ताक्षर के द्वारा अभ्यास कार्य लेखन करना, सुंदर लेखन करना, क्या लिखने से भाषा में दक्षता आएगी? बच्चा बोलना नहीं जानता है, वह लिखना जानता है, तो क्या उसके बोलने में कुशलता आएगी, भाषा में दक्षता आएगी? यह भी गलत है, क्योंकि लिखने से सिर्फ लेखन में दक्षता आएगी, लेखन कार्य करने से बच्चे की सुंदर सुंदर लेख में दक्षता आएगी, न कि उसकी भाषा लेख में आएगी। फिर बात आती है ऑप्शन डी की, शुद्धताया धारा प्रवाह से च विकास है। शुद्धता और धारा प्रवाह का विकास होगा, शुद्धता हो गई लेकिन धारा प्रवाह भी होगा, लेकिन किसका विकास होगा? यह बात ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अर्थात यह भी गलत है। अब प्रश्न संख्या 5 की बात हम करते हैं। लिखा है ममता एकस्य अभ्यास कार्यस्य नियोजनम कृतवती। ममता एक अभ्यास कार्य का नियोजन करती है, योजना करती है। ममता एक अभ्यास कार्य का नियोजनम कृतवती माने योजना करती है, यस्मिन सा प्रत्येकम, जिसमें सामान्य वह प्रत्येक 5वें शब्द से 5 शब्द के बाद लोपम कृतवती, 5वें शब्द का वह लोप करती है, जिसमें वह प्रत्येक 5वें शब्द का क्या करती है? लोपम कृतवती, लोप करती है। एतद अभ्यास कार्यम अस्ति, यह अभ्यास कार्य है। यह किस प्रकार का अभ्यास कार्य है? ममता नाम की एक लड़की है जो कि वह एक अभ्यास कार्य कर रही है, और उस अभ्यास कार्य में जो लिखने का कार्य कर रही है, अभ्यास कार्य कर रही है, उसमें हर पांचवें शब्द के बाद वह छोड़ देती है। जैसे मान लीजिए वह लिखती है अभ्यास कार्य, देखिए मैं यहां बता रहा हूं आपको, अभ्यास कार्यम, ठीक,
लिखती है श्रेय कुरु कुरु श्रेय कुरुणाम कुरु उड़ाम पालनीम। ठीक है ना, श्रेय कुरुणाम पालनीम प्रजासु ब्रीतेसु कुर्सी वेदितुम। ठीक, स्त्रिय क्रूणाम पालनीम, देखिए बीच में छोड़ दिया। ठीक है, ममता नाम की एक लड़की है जो अभ्यास कार्य कर रही है, एक श्लोक लिख रही है स्त्रिय क्रूणाम, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर लिखा पालनीम, फिर लिखा प्रजास वृत्तेस, फिर छोड़ दिया, फिर लिखती है। मान लीजिए दो दो चार, दो तीन पाँच, तीन तीन छह अक्षर आ गए हैं, तो पांचवें अक्षर पर यही कह रही है ना कि यही प्रश्न यही कह रहा है कि ममता एक अभ्यास कार्य कर रही है जिसमें वह प्रत्येक पांचवें शब्द का लोप कर देती है, पांचवें शब्द का लोप कर दे रही है, यह अभ्यास कार्य क्या होगा, यह अभ्यास कार्य किस प्रकार का कहा जाएगा। तो सीधी सी बात है, यह अभ्यास कार्य क्या हो रहा है, यह रिक्त स्थान का कार्य कर रहा है ना, यह रिक्त स्थान हो गया कि नहीं, यह खाली स्थान हो गया। तो ऑप्शन ए लिखा है व्याकरण परीक्षा, यह क्या वह व्याकरण परीक्षा का अभ्यास कर रही है, तो यहां तो व्याकरण की बात आ ही नहीं रही है, वह अभ्यास कार्य कर रही है, अर्थात यह भी गलत होगा। फिर बी आ रही है लेखन परीक्षा, यह लेखन परीक्षा कर रही है, लेखन परीक्षण कर रही है, क्या लेखन परीक्षण में वह बीच बीच में शब्दों को छोड़ देगी, यह भी उचित नहीं है, अर्थात यह भी गलत है। फिर प्रश्न संख्या सी की बात आती है, यही आपका ऑप्शन सही है, रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा, या रिक्त स्थान पूर्ति का परीक्षण कर रही है, रिक्त स्थान का कार्य कर रही, जो बीच बीच में शब्दों को छोड़ दे रही है, यह रिक्त स्थान पूर्ति परीक्षा या है का अभ्यास कर रही है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। फिर ऑप्शन डी आता है अनुमान कार्यम, क्या अनुमान का कार्य कर रही है, तो यह भी नहीं सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मित्र इन प्रश्नों के माध्यम से आप अभ्यास कार्य कर सकते हैं, और मैं आपसे एक बार नहीं बार बार निवेदन करूंगा कि शब्द रूप धातु रूप प्रत्यय लकार परिचय और अनुवाद, इन चार पांच पांच चीजों से आप हमेशा परिचित रहिएगा। ठीक है, और मैं किसी दिन आपको प्रत्यय तो बना ही रहा हूं, प्रत्यय भी मैं अगले वीडियो में बना रहा हूँ, प्रत्यय भी आप पढ़िएगा मेरे वीडियो से, और मैं किसी दिन आपको पूरा सर्वनाम बता देता हूँ, थोड़ा लकार परिचय बता देता हूँ, अनुवाद करने की विधि बता देता हूँ। ठीक है, और मैं ईश्वर से निवेदन करूँगा कि जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं सभी सफल हों। ठीक है, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और चंद्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इतना ही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमः संस्कृताय।